हेलो एवरीवन। तो कैसे हो यार आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो एक काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होने वाली है। हम अधिकतर बात करते रहते हैं बाइक्स के बारे में या स्कूटीज़ के बारे में, लेकिन इन दोनों ही चीज़ों को राइड करने के लिए जो सबसे ज़रूरी एसेसरीज होती है वो होती है दोस्तों हमारा हेलमेट। एंड हेलमेट के बारे में अधिकतर हम बात नहीं करते हैं, बट आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए सिलेक्ट करे हैं 3 ऐसे हेलमेट जो कि दोस्तों 2000 के अंदर आते हैं। एंड इससे बेस्ट एंड इससे सेफेस्ट हेलमेट आपको 2000 के अंदर और कहीं नहीं मिलेंगे। आप चाहें तो खोज भी सकते हैं। मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद ये हेलमेट सिलेक्ट करे हैं जो कि दोस्तों आपको सेफ्टी के साथ साथ काफ़ी अच्छा लुक दे सकते हैं। आप अपनी स्पोर्ट्स बाइक पे इन हेलमेट को लगा के काफ़ी अच्छा फील करेंगे, क्योंकि इनका जो ग्राफिक है एंड बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। तो गाइज, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा अगर सारी हेलमेट्स की डिटेल्स आपको चाहिए तो। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी तरीके के नए नए कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाँ तो गाइस, बात कर लेते हैं हम सबसे पहले अपने थर्ड नंबर के हेलमेट की, जो कि दोस्तों स्टड्स की तरफ से आता है, जिसका नाम है थंडर D7 डिकोर। दोस्तों ये जो हेलमेट है ये आपको मिरर वाइजर के साथ देखने को मिलता है, जिसमें आपको कई सारी हाइलाइट्स देखने को मिल जाती हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इसमें आपको जो है एरोडायनेमिक डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, जिससे कि जो आप अपनी बाइक राइड करेंगे उससे आपको जो एयर प्रेशर मिलता है वो आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको ये यूवी रेजिस्टेंट पेंट देखने को मिलता है, यानी कि अगर आपके हेलमेट पे काफ़ी ज़्यादा सन का जो मतलब कह सकते हैं हीट पड़ता है, उससे आपके पेंट पे कोई इशू नहीं होगा। साथ ही साथ इसमें आपको डायनेमिक वेंटिलेशन सिस्टम मिलता है, यानी कि आपको हेलमेट के अंदर जो एयर है वो अंदर से बाहर जाने का काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन सिस्टम देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको एयर वेंट्स मिलते हैं, जो कि नीचे की साइड आपको चेन पे एक मिलता है एंड टॉप पे 2 देखने को मिलते हैं। एंड रेयर में भी आपको इसमें बैक की साइड वेंट्स देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसमें आपका जो इसका क्विक रिप्लेस वाइजर एंड चिन स्ट्रैप है, यानी कि जो नीचे की साइड जो आपका स्ट्रिप होता है वो भी इसमें काफ़ी इजीली आप उसको अप डाउन कर सकते हैं या लगा सकते हैं। एंड गाइस, जो ये हेलमेट है ये आपको टोटल 9 कलर्स में अवेलेबल देखने को मिलेगा, जिसमें जो इसके कलर्स हैं वो रियली बहुत ही ग्रेट कलर्स हैं। आप मतलब अपने पसंद का भी कलर इसमें चूज़ कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छे खासे ऑप्शन दिए जाते हैं। एंड आपको इसमें साइज़ के भी ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आपको इसमें एम साइज़ मिल जाएगा, एल साइज़ मिल जाएगा, इसका एक्सल साइज़ मिल जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसका साइज़ भी चूज़ कर सकते हैं। एंड अब हम बात कर लेते हैं फाइनली इसके प्राइस के बारे में। तो दोस्तों थंडर D7 डेकोर का जो प्राइस है वो आता है आपका 1895 रुपीज़, यानी कि आपको ये 1900 का हेलमेट देखने को मिल जाता है। 1900 रुपये में आपको ये जो हेलमेट है काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, जिसमें आपको सेफ्टी के साथ साथ लुक देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों ये सारे हेलमेट जो मैं आपको बताऊँगा वो ISI सर्टिफाइड हैं, यानी कि इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड नंबर के हेलमेट की, जो कि वो भी स्टड्स की तरफ से ही आता है, जो कि है थंडर D8 डेकोर, यानी कि वो आपका जो प्रीवियस मॉडल था वो D7 था। अब मैं आप बात कर रहा हूँ D8 के बारे में। इसका जो दोस्तों जो लुक है एंड जो ग्राफिक है वो काफ़ी यूनिक है पहले वाले हेलमेट्स के मुताबिक। बात करें इस हेलमेट के हाइलाइट्स की तो वो आपको लगभग वैसे ही सेम देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको एरोडायनेमिक डिज़ाइन, डायनेमिक वेंटिलेशन सिस्टम हो गया या आपका एयर वेंट्स हो गए, बाकी सब आपको इसमें सेम देखने को मिलेगा। कलर ऑप्शन की बात करें तो इसमें भी आपको टोटल 9 कलर वेरियंट्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप अपने कलर चूज़ कर सकते हैं। साइज़ भी मैंने आपको बताया कि आपको इसमें एम साइज़, एल साइज़, एक्सल साइज़ सब कुछ देखने को मिलेगा। डिज़ाइन के मामले में ये वाला जो हेलमेट है वो D7 से थोड़ा सा डिफरेंट है, एंड जो लुक है और जो शार्पनेस है वो आपको इसमें थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। प्राइस को लेकर भी कोई चेंजेस नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया जो इसके फीचर्स है वो आपको सेम उसमें देखने को मिलते हैं, एंड जो प्राइस है वो भी आपको एकदम सेम देखने को मिलता है, जो कि है 1895 रुपीज़, यानी कि सेम वही आपको 1900 रुपये का भी ये वाला हेलमेट देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हाँ तो गाइज, अब हम बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट नंबर के हेलमेट की दोस्तों, जो कि आता है वेगा की तरफ से, जिसका नाम है बोल्ट बनी। दोस्तों ये वाला जो हेलमेट है ये अभी कुछ वीक पहले ही लॉन्च हुआ है वेगा की तरफ से, जो कि काफ़ी अच्छी प्राइसिंग के साथ आता है। कह सकते हैं कि आपको जो इसमें ग्राफिक देखने को मिलते हैं वो नॉर्मली आपको किसी 4000 या 5000 वाले हेलमेट से कम देखने को नहीं मिलते, जो कि आपको SMK या फिर MT के हेलमेट्स में जो ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, सेम वैसी ग्राफिक आपको 2000 के अंडर ही देखने को मिल रही है।
और साथ ही साथ आपको इसमें सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो बात करें इसके कुछ हाइलाइट्स की, तो इसमें आपको हाई इम्पैक्ट ABS मटेरियल स्टील देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसमें आपको डॉट एंड ISI सर्टिफाइड मार्क देखने को मिलता है, यानी कि बिल्ड क्वालिटी को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है इस हेलमेट के साथ। इसमें आपको रिमूवेबल एंड वॉशेबल लाइनिंग मिलती है, यानी कि जो इसमें आपके अंदर के जो लाइनिंग होती है पार्ट्स, उसे आप रिमूव करके वॉश कर सकते हैं, जो कि दोस्तों आपको प्रीवियस हेलमेट्स में नहीं मिलते, जो कि स्टड्स के तरफ से आते थे। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि आप उसे धो सकते हैं अच्छे से, काफ़ी दिनों जैसे यूज़ करते करते कई दिनों तक आपको थोड़ी स्मेल की फीलिंग होती है, तो आप उसे रिमूव करके वॉश कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको स्क्रैच रेजिस्टेंट और UV रेजिस्टेंट पेंट देखने को मिलता है, यानी कि जो इसका वाइजर वगैरह है वो आपको स्क्रैच प्रूफ मिलता है, कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। साथ ही साथ इसमें आपको इजी वेंटिलेशन सिस्टम देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें आपको एयर का जो थ्रो है वो अच्छा देखने को मिलेगा। ऊपर की साइड इसमें आपको दो वेंट्स मिलते हैं और नीचे की साइड आपको चेन में मिलता है, एंड बैक साइड पे भी आपको एक एयर वेंट्स देखने को मिल जाता है। साथ ही बात करें इसके कलर ऑप्शंस की, तो इसमें आपको टोटली 5 कलर और वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छे हैं। एंड बात करें अब इसके प्राइस की, तो दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है इसके बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन के हिसाब से। इसका जो प्राइस है दोस्तों वो है 1898 रुपीज़, यानी कि सेम आपको ये 1900 का हेलमेट देखने को मिल जाता है, जैसे कि आपको प्रीवियस हेलमेट भी देखने को मिलते थे। एंड दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि जो इसके अंदर के लाइनर है वो रिमूवेबल एंड वॉशेबल है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। एंड दोस्तों लुक से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। हाँ, इसमें आपको वाइजर का जो चॉइस है वो आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा, इसमें अभी आपको क्लीन वाइजर मिलता है, इसका जो स्मोकी वाला वाइजर आता है वो आप अलग से परचेज कर सकते हैं। तो गाइस ये थे हमारे टॉप 3 हेलमेट्स जो कि आते हैं अंडर 2000। दोस्तों ये जो हेलमेट्स हैं मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद सिलेक्ट किए हैं। आपको बेसिकली देखा जाए तो जो ये हेलमेट्स हैं ना, आपको ये अमेजोन पे देखने को मिलेंगे, ना ये आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिलेंगे। गाइस ये जो हेलमेट्स हैं ये आपको ओनली ऑन इनकी वेबसाइट पे ही देखने को मिलेंगे, यानी जो कि स्टड्स का हेलमेट था वो आपको स्टड्स की वेबसाइट पे मिलेगा, एंड जो वेगा का हेलमेट है दोस्तों वो आपको वेगा की वेबसाइट पे ही देखने को मिलेगा। कोशिश करूंगा कि मैं आपको इन सभी हेलमेट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूं, अदरवाइज मैं एक काम करूंगा, मैं आपको इन हेलमेट्स के जो मॉडल नंबर है वो लिख कर दे दूंगा। आप सिंपली अगर आप गूगल पे जाकर भी उन नंबर्स को डालेंगे तो आपको ये हेलमेट्स देखने को मिल जाएंगे। 2000 रुपये में दोस्तों इससे बेस्ट हेलमेट आपको रियली नहीं मिल सकता, मैं आपको इस बात की दोबारा गारंटी देता हूं। अगर आपको मिल जाए तो आप मेरी तरफ से एक हेलमेट फ्री ले जाइएगा। एंड दोस्तों इस तरीके की रिसर्च वाली वीडियो बनाने में यार काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो यार एक लाइक ज़रूर कर देना, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड दोस्तों अगर आपको 1500 के अंडर ही बेस्ट हेलमेट चाहिए तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, अगर आपके कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो मैं आपके लिए एक टॉप 5 हेलमेट्स की वीडियो बनाऊंगा, जो कि आती है अंडर 1500। एंड गाइज मैंने फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पे जो हेलमेट अवेलेबल है उस पर भी एक वीडियो बनाई थी कि टॉप 10 हेलमेट्स जो कि आते हैं अंडर 2000, वो आपको फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, आप देख सकते हैं, या मैं उसको एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो गाइज ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके के नए कंटेंट्स मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों तब तक मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।